नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शवों के साथ लापरवाही करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है और शव कचरे से बरामद हो रहे हैं। अदालत ने इस मामले में 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के अस्पताल कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों को उनकी मौत के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में परिवार को अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के LN JP अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों से इस मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिलने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युद्ध में आप योद्धाओं को नाखुश नहीं करते हैं, अतिरिक्त प्रयास करें और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि जुटाएं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के मामले में अदालतों को शामिल नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्कूल में मुस्लिम छात्रों को परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर बैठाया गया। इसके पीछे की वजह मुस्लिमों का नाम कोरोना से जोड़कर देखने को बताया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने रेड जोन वाले बच्चों को बाहर बिठाया, जबकि लोगों का कहना है कि रेड जोन से आए हिंदू बच्चे परीक्षा हॉल में बैठाए गए। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ अब शिमला में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा IPC की धारा 124A, 268, 505 और 501 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में अजय श्याम नाम के व्यक्ति ने शिमला के कुमार सैन पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने BJP के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दुआ के खिलाफ FIR दर्ज की थी। UP में कम कोरोना टेस्टिंग को लेकर लगातार ट्वीट करने के कारण रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ बीते गुरुवार रात को FIR दर्ज की गई है। दरअसल पूर्व IAS ने बीते बुधवार को ट्वीट किया था, CM योगी की टीम 11 की मीटिंग के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ DM को हड़काया कि क्यों इतनी तेजी पकड़े हो, क्या इनाम पाना है जो टेस्ट चिल्ला रहे हो। इसके साथ ही उन्होंने नो टेस्ट नो कोरोना लिखा था। नेपाल पुलिस की फायरिंग में शुक्रवार को एक भारतीय की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना भारत नेपाल सीमा पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के लालबंडी जानकी नगर बॉर्डर पर महोबा गांव में हुई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। SSP के DG कुमार राजेश ने ANI को बताया कि नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे वह उसे रिहा कर दें और ये मामला आगे ना बढ़े। बता दें ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश पहले से ही जमीन विवाद को लेकर आमने सामने हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों की बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। CM गहलोत ने कहा कि BJP की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी, इस वजह से राज्यसभा चुनाव टाल दिए गए और अब चुनाव देरी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक चुनाव को बिना कारण के स्थगित कर दिया गया क्योंकि BJP की हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई थी। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर असहिष्णुता और चीन का मुद्दा उठाया। राहुल ने पूर्व अमेरिकी राजदूत और विदेशी मुद्दों के जानकार प्रोफेसर निकोलस वर्न से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत के माहौल से की और कहा कि दोनों देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है। राहुल ने कहा, जो मुझे बंटवारा होते हुए दिख रहा है वो दोनों देशों को कमजोर करने की स्थिति में ले जा रहा है। जब आप लोगों को जाति या धर्म के आधार पर बांटने लगते हैं तो आप देश की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। वर्तमान में जो ऐसा करने में लगे हुए हैं उन्होंने खुद को राष्ट्रवादी घोषित किया हुआ है। महाराष्ट्र के PMC बैंक और फिर AS बैंक में गड़बड़ियां सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अब कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI ने इस बैंक पर लोन देने और ग्राहकों से जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ग्राहक भी बैंक में जमा रकम को नहीं निकाल सकेंगे। कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए RBI ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब तक धैर्य से सैलरी का इंतजार कर रहे डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल के प्रबंधन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे 16 जून को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। अस्पताल में लगभग 100 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन ना दिए जाने के मामले में निजी कंपनियों पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है और सैलरी ना दे पाने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई ना करने की बात कही है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कंपनियां और कर्मचारी आपस में बातचीत कर ये मामला सुलझाएं। लॉकडाउन के 54 दिनों का पूरा वेतन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 74.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 72.81 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के अगस्त में होने वाले जिम्बाब्वे के संक्षिप्त दौरे को रद्द कर दिया है। इस फैसले की उम्मीद थी क्योंकि गुरुवार को श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की थी कि भारत का जून जुलाई में सीमित ओवर का दौरा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 75,34,325 हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4,21,000 से ज्यादा है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार 38,43,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है, जबकि अब तक वहां 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने इसी बुधवार से लॉकडाउन में ढील बरती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।